राम मोहन जी, राजकुमार साहब के बारे में कुछ बताइए। आपने उनके साथ काफी काम किया है। ग्रेट आर्टिस्ट, सुपर आर्टिस्ट, कॉम्प्लिकेटेड मैन, बहुत टची, बहुत सेंसिटिव, बड़ों बड़ों के साथ वो पानी पिला दे। एक्टिंग में तो आप जानते हैं सब, उसका एक स्टाइल था। उनके तो जूते एक्टिंग करते थे, लेकिन जूते की एक्टिंग किसने करवाई? डायरेक्टर ने, बीआर चोपड़ा। करेक्टर को किसने साथ विजुलाइज किया? डायरेक्टर ने। मेरा जो पहले आपसे कहना था ना, कैसे डायरेक्टर को मिलता पिक्चर, वो मिलता फिल्म। हाँ, स्टार आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, दे डेकोरेटेड, लेकिन जो फिल्म का बेस और कहानी है और उसको साहब जो एग्जीक्यूट करने वाला, जो पेश करने वाला, वो डायरेक्टर है। तो राजकुमार जी जो थे वो भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी थे। कोई भी उनके सामने अपने आप को थोड़ा सा उनसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, यू नॉट लेट। हाँ, लड़ेंगे नहीं ना, दारू पी के झगड़ा नहीं करेंगे ना, ना वो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात, एक जुमला ऐसा कह देंगे कि सामने वाला अपनी औकात में आ जाएगा। लेकिन बतौर आर्टिस्ट मैं क्या बोलूँ, उनके साथ मैंने फिल्म जैसे बताया मैंने आपको, मेरे हजूर पिक्चर की, और वहाँ भी साहब उसने साहब मेरे रोल की प्रशंसा की, तारीफ की, कमा यार तुम कहाँ थे यार, तुम तो कमाल यार, कैसे मैं कुछ था, मेरे डायरेक्टर ने मुझे सिखाया, मैं तो वही कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई देन नहीं है, कोई इसमें एडिशन नहीं है। तो लेकिन वो जानते थे कि साहब किसको कहाँ रखना है। ये मैं अपना बड़प्पन नहीं कह रहा हूँ, उनका ही बड़प्पन था। उन्होंने हर आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लग पुलिंग की होगी, और वो जहाँ कहीं भी हैं, स्वर्गों में रहें, आज तक उन्होंने मेरे साथ कैसी बात, जब भी कहीं मिले अगर मैं, अरे भाई सुना राम मोहन कहाँ जा रहा हो यार तुम, अरे अरे प्रकाश सर, और मैं डरता था, मैंने कहा यार कहीं मजलिस में कहीं किसी मौके पर मुझे ना खिंचाई कर दें। उनके साथ मैंने एक वो फिल्म की, एक गोदान फिल्म की थी बनारस में, उनका छोटा भाई बना था, ये उनके बारे में, बहुत अच्छे आर्टिस्ट साहब, उनको तो कुछ है, अछूते आर्टिस्ट थे। हमारी यहाँ